सुबह लेबर से चालू हुआ। हाँ चालू, सुबह लेबर से सामान सब रखवा दिए, यहाँ भी वहाँ भी। भाई लेबर आया है, 150 रुपया देना पड़ता है दोपहर के लिए, लेकिन रोटी रखा था। हमने कहा हो सकता है भी बच्चे ना यहाँ ना आए होंगे, उधर चलो उधर चलो। हमने कहा चलो वहाँ सुनी है आज तकलीफ। अब कोशिश अभी भी जो है आपको थोड़ा सवा चार बजे निकलिएगा। दूसरी बात कि यही काम करने के लिए आपको 15,000 दिल्ली में हम जलवाएंगे, जाएंगे आप 15,000 मिलेगा हर महीने। अच्छा, और यही काम करना जहाँ जहाँ हाथ जाए वहीं वहीं मोबाइल दिखाओ। हाँ वाह वाह, आओ आओ बच्चों आओ। मोबाइल लिए है ना बाबा, मोबाइल एक हाथ तो खाली है, मोबाइल फिर फोकस नहीं बनेगा। करके दिखा दे, भोजन हो चुका है। अक्टूबर 2023 सामने श्री श्याम साधु जी महाराज भोज कराते हुए सुबह हमारा महाअष्टमी रखा जा चुका है। महाअष्टमी रोटी रखी थी जी नहीं माना, हमने कहा महाअष्टमी भी है, नवमी का आज पर्व है, कल दशहरा होगा। श्री रामचंद्र जी की सेना वानर सेना प्रत्येक दिन बाबा जी के द्वारा पोषित हो रही है, आप स्वयं अपने आँखों से देखिए। देखते ही देखते सारी वानर सेना यहाँ एकत्र हो गई है। अरे देख, अब गाड़ी के नीचे ना आ जाए। हो चुका है महान पशु सेवी श्री श्याम साधु जी महाराज, पशुओं की इतनी बड़ी सेवा करते हुए, वानरों की सेवा करते हुए योगी बाबा ने राम मंदिर का निर्माण लगभग पूरा करा दिया है और जल्द ही हमारे राम मंदिर में लोगों का आना जाना प्रारंभ होगा, दर्शन प्रारंभ होंगे योगी जी के द्वारा। जाओ बुढ़ा भाई जाओ, जाओ उसको प्रारंभ कराया जाएगा। ये देखिए, और राम जी का काम हमारे बाबा जी कर रहे हैं, और विगत कई वर्षों से नहीं बल्कि अपने पूरे जीवन में बाबा जी ने सिर्फ यही काम ही किया है, राम जी का काम। ये बजरंग बली के हम लोग रेडी हैं, क्यों बाबा जी, हम इनके रेडी हैं। 15,000 की नौकरी दिल्ली में आपकी हम लगवा देंगे, कल चले जाओ कल। अच्छा, सुमन माँ के यहाँ। हाँ
और यही काम करो। अच्छा, इससे बढ़ के गोल्डन चांस नहीं मिलेगा। लाखों रुपया कमाने वाले क्या गारंटी है उनकी कि वो जिंदा रहेंगे जाते थे? नहीं नहीं, आप ये काम करेंगे तो मौत आएगी, पूछ के आपसे आएगी। बिल्कुल बिल्कुल, आपने खुद देखा है। हाँ, दो दो बार मौत के मुंह से निकले हैं। निकले है। आप देखो पैसा उम्मीद रही आप लोगों? नहीं नहीं, यहाँ के डॉक्टरों ने क्या कहा था कि बाबा जी का बसना बड़ा मुश्किल है। अब बाबा जी क्यों क्यों आ गए? सब सही बात, सब इन्हीं कामों से है, समझ गए? पत्थर के हनुमान, कागज के हनुमान और खुद खेल रहे श्रीमान जी। धंधा बना दिया है देव छोटे छोटे भैया नीचे रख दे, बड़े बड़े ही से न बच पाए। दे दे दे। ए, लाओ, ए बुढ़िया हट, दे, सका, तुम कहाँ? तुम कहाँ? अरे, लाओ मेरी जिंदगी का नाम है, लाओ मेरी जिंदगी। हाँ उनको दे रहे हैं। दे रहे हैं। उनको जेल में घुमा देंगे। क्या है उनको भगा दिया बाबा जी? यहाँ गाड़ी पे ना है? गाड़ी के नीचे ना आ जाए तो यही तो मुसीबत है। आइए चल रहा है। गैया गोरू जो है गाड़ी में ला दो, पहुँच जाओ किसी और आगे आगे तनख्वाह भी मतलब बढ़ जाएगा। जी जी, और वो काम आप करेंगे जो जिंदगी में आपने सोचा नहीं। सोचा नहीं, सही बात। पूरे दिल्ली के अंदर जो है आप हमको कई ऑफर लेके आए नौकरी का। हाँ इसीलिए हम खास कर दिया है। एक बार दिल्ली, एक बार इलाहाबाद में बोले थे इनका हमारा जो है लेबर आया भाई, लेबर तो दिया उसको दिया। अच्छा। यहाँ वहाँ सब सामान रखवा दिए, यहाँ से वहाँ, लेकिन रोटी रखी रही हम रात शाम को जाए।
तो वहाँ एक बात हल्का तो मचाई थे, बड़ा बेशरम समाज है यार, इतना बेशरम। हमको क्या बताने, हमको पावर है पूरी दुनिया को बुला दे, आदमी है कहाँ कहाँ यार। हम आपसे सवाल करें, आप जवाब दो, अगर आप जवाब नहीं दे पाए, हमको आदमी है कि अभी दिल्ली जाए अनाउंस करवाने, दिल्ली के अंदर कोई बाबा या कोई नेता, केवल हमने जो किया है आप वही हमने व्यू का भी देखा है। जनता अंतिम जिंदाबाद मुर्दाबाद, हिंदू ले लो, मुसलमान ले लो, समाज लो, पंडित लो, किसान लो, बस हो गई, आज भी सब बराबर है। बाबा ये मांग रहा है, ये मांग देखा, ये साइड है देने का, छोटे तक आ गए, इनको मिल गया, सबको मिला। देखो एक मुट्ठी डाल दो, ले लो, ये बहुत सीधा है ना, खाई है, ले लो। बच्चों के बीच में जाओ, सब छोटे छोटे टुकड़े चलाओ, दे मटर मटर लगा दें, तो उनका इतना खत्म नहीं करता। इनके बीच में जाओ, इससे कर दो, एक फेंक दो, एक बच्चे को एक साथ में मिल गया, और किसी को नहीं मिला बच्चे को, तो समझिए सब किया किया जाता है। पंद्रह मिनट का वीडियो हो गया बाबा, 15 मिनट वीडियो हो गया, हो गया। अरे वाह, नंगड़ा था।
हटो तुम हटो तो खाने तो ले 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 वो है बाबा वो भी नहीं पाई है? वो भी नहीं पाई ए? पा गई बैठा है जाएंगे यहाँ वाला हम संभाल लें। अच्छा अरे दिल्ली जैसी जगह में धूम मचा देना वही तो कि हमको पूरी दिल्ली के लोग बतावे केवल जवाब दे कि उससे बड़ा कौन सा मंदिर है कौन सा बड़ा मंदिर सही बात मंदिर 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 आपको हम भूखा रखे और आज के फोटो में हम काजू खिलाने आपको बर्दाश्त होगा कभी नहीं इसका मतलब आपको अपने लिए बर्दाश्त नहीं है आप दूसरे के लिए सोचते हैं आप बेईमान है कि नहीं महाबेईमान आप मक्कार है ना महामक्कार है ना जी सब सीधी सी बात भोजन भूख लगती है तो आपको भोजन हा? चाहिए आपको अपने लिए तो खाना चाहिए और क्या नहीं अपनी अपनी बीबी से कह दो कि भैया जब हो हमारे फोटो में खाना छुआओ और खुद खा लेना और जाओ घूम जाओ घूम आओ दिल्ली में बंदर बहुत है बाबा है? बहुत बंदर है वहाँ वहाँ हमने देखा था एक वीडियो अरे हर जगह है खड़े हैं बहुत बंदर है अब यही हाल यहाँ होगा फिर होगा यहाँ बंदर खिलाना मना है वहाँ तो मान लो पहाड़ी इलाका है हम तो यार वो मना रहे हैं पता नहीं यूक्रेन में और इसराइल में ये वही सुलग रहा है अरे सुलगाओ मत पता लगे सारी आधी दुनिया साफ है न अजय जवाब बताओ कोई पशु पक्षी है जिसने भगवान का उल्टा भगवान के खिलाफ काम किया हो नहीं किया ना भगवान की खुदा की गॉड की खिलाफत वाला काम किसने किया है हमने आपने हमने तो हमको तो आपको जहर खा के मर जाना चाहिए और क्या खुदा भगवान के नाम बाद में ले पहले हमको मर जाना चाहिए क्या आप खुदा भगवान का मजाक उड़ा रहे हो बाबा जी जब तक पेट भरता है हाँ। जब तक पेट भरता है ना हाँ। तब तक दिमाग बहुत चलता है तब तक इंसान की जुबान भी खूब चलती है हाँ। तब उसको बस यही समझ में आता है यहाँ परमाणु बम गिरा दे हाँ। वहाँ से लड़ाई हो जाए ये जमीन हथिया ले बात बात और जब इंसान भूखा मरता है हाँ। जब अकाल पड़ता है सूखा पड़ता है हाँ। तो सब एक हो जाते हैं सब एक हो जाते तब नहीं याद आता कि हमारा देश है तुम्हारा देश यही बात तो जब मुसीबत आती है तब समझ में आता है सब आता है आज इतने बम गिर रहे हाँ। समझिए पूरा गाजा पट्टी हाँ हाँ एकदम लोगों को वहाँ के जो भी लोग हैं रो रहे हैं लेकिन वही चीज अगर वो पहले सोचे होते तो ये स्थिति ना बनती हमारा मतलब कि हमने एक आवाज एक मैसेज देने में मेरी जिंदगी लगा दिया हाँ बाबा हमारे मैसेज को यहाँ के महात्मा ने धर्मात्मा ने नेता ने सुना नहीं वो चाहे वो किसी पार्टी का हो नहीं सुना ना जी बाबा तो फिर दुनिया वाले का है सुनेंगे सही और नहीं सुनेंगे तो भोगो तुम समझो मेरे पास इतनी सेना है वो कहते हैं मेरे अभी एक चाइना का बताया उसने कि चाइना ने वो हथियार बना दिया है
ये अमेरिका के पास नहीं, बताओ वो अभी अभी दिखा रहे ए अंतरिक्ष से, अंतरिक्ष से जाके टारगेट करके और वहीं पे बम फेंक देगा, बम फेंक देगा ना, आपका रडार कोई कुछ करे नहीं, कर ही नहीं पाएगा। और किसके बाद चाइना के पास बताइए क्या है, ऊपर से जो डाल देगा बस अंतरिक्ष से वहीं का टारगेट करके डाल देगा। अरे बाबा जी यही चाइना है जिसको जापान 1,00,000 चाइनीज को जिंदा गाड़ दिया था। अच्छा पुराना इतिहास देखा जाए, एक लाख से 2,00,000 चाइनीज जो भी थे जापान ने जिंदा गाड़ दिया था, तो सब झेले बैठे हैं, फिर भी लड़ाई की बात सब करते हैं, बेईमानी। चाइना जो देश है शांति की बात कभी करता ही नहीं। आप ये बताइए क्या केवल चाइना, अमेरिका, इजराइल, रसिया, भारत बस यही 4-5 देश है? देश तो सैकड़ों है, लेकिन हमेशा लड़ाई और मार की बात हमेशा चाइना, नॉर्थ कोरिया, पाकिस्तान ये सब क्यों करते हैं? और सारे जो देश है, न्यूजीलैंड हो गए, ये सब उनसे कोई मतलब नहीं है, मतलब है नहीं, बस तुम्हारी लड़ाई में ये फंस जाएंगे। परमाणु बम तुम गिराओगे, मरेगी पूरी दुनिया। तो यही है बाबा जी, हम लोगों को सोचना चाहिए कि एक हमारा पृथ्वी है जिसको हमें सुंदर बनाना है, जिसको हम लोग अपने केवल स्वाभिमान में मिटाते जा रहे हैं। परमाणु बम का तो खत्म ही कर देना चाहिए सबको। एकदम ठीक बाबा जी, देर हो रही, हम जाएंगे। आप जाइए, हो आइए जी, आप सोच के बताइएगा। ठीक, ऐसा मौका बार बार नहीं आने को। हाँ बाबा जी।